तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार के उत्तर प्रदेश में 4 साल पूरे होने पर बधाइयों का सिलसिला जारी है, तो अब विपक्षी निशाना भी साध रहे हैं। दरअसल पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। बात की हमारे संवाददाता ने, उनसे बात की दीपक श्रीवास्तव ने, सुनते हैं क्या कहना है उनका। बसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव जी हमारे साथ हैं। सर, योगी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, 4 साल के इस पूरे कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? विकास की बातें योगी जी तमाम कर रहे हैं प्रदेश में, आपको क्या लगता है क्या वास्तव में विकास 4 सालों में हुआ है? देखिए, जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, और मैंने जो अभी कहा कि सिंचाई में तो ये नहरों में पानी भी नहीं दे पाई, सफाई के नाम पर, केवल सफाई के नाम पर। मेरे पास विभाग भी रहा है तो गर्मियों के दिन में पशु पक्षियों को 2 बार पानी दिया जाता है, वो भी नहीं दे पाई। दशहरा जो त्यौहार आता है उस पर भी पानी नहीं दे पाई, लोग नहाते हैं। और इस तरीके से देखे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तहसील में, थानों में, हर सरकारी कार्यालय में, तो नौकरशाही इनके कब्जे में नहीं रही है। क्या चाचा भतीजे की जोड़ी 22 में साथ में इस भ्रष्टाचार को रोकेगी? देखिए, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समान विचार समाजवादी पार्टी से, अन्य पार्टियों से मैंने कहा है कि भाई सब लोग शामिल हो जाएं, मिलकर के इलेक्शन लड़ें। धन्यवाद। तो शिवपाल जी पूरी तरह से इस सरकार के कार्यकाल को अभी उतने नंबर नहीं दे रहे हैं जितना ये बातें करते हैं। हमारे साथ शिवपाल यादव जी रहे और सीधे तौर पे ये मान रहे हैं कि इस सरकार ने जितनी योजनाओं पे बात की है उतनी योजनाओं पे काम नहीं कर पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।